मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कथित भाजपा कार्यकर्ता ने शराब के नशे में एक मानसिक विक्षिप्त आदिवासी पर पेशाब कर दिया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो 9 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो कि कुबरी बाजार का है। आरोपी प्रवेश शुक्ला कुबरी गांव का ही रहने वाला है। वो सीधी जिले से बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि रह चुका है। सीधी एसपी रविंद्र शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की तस्दीक कर आरोपी प्रवेश शुक्ला पर केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपराधी को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और आरोपी पर NSA भी लगाया जाएगा। इस मामले में PCC चीफ कमलनाथ ने कहा कि सीधी जिले में आदिवासी युवक पर पेशाब करने की क्रूरता का वीडियो सामने आया है। आदिवासी युवक के साथ ऐसी जघन्य और गिरी हुई हरकत का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। इस मामले में विधायक केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि प्रवेश ना तो मेरा प्रतिनिधि है और ना ही पार्टी का कार्यकर्ता। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे प्रवेश शुक्ला को जानते हैं और वह सीधी से 20 किलोमीटर दूर कुबरी गांव का रहने वाला है। नहीं, वह मेरे प्रतिनिधि नहीं है और मेरे प्रतिनिधि जिला पंचायत में सुमंत द्विवेदी, जनपद पंचायत में उमा शंकर यादव और नगर पालिका में दिनेश गुप्ता हैं। वो किसी भी तरह के मेरे प्रतिनिधि नहीं। कोई CM साहब से इस पूरे विषय पे बातचीत हुई है? CM साहब ने मुझसे इतना ही पूछा कि मेरा प्रतिनिधि है, तो मैंने कहा नहीं। आपकी कोई पहचान, उससे कोई जानकारी? हाँ, जानकर क्षेत्र का आदमी है, इसकी जान पहचान है, तो जानता हूँ। कोई कार्यक्रमों में आना जाना था या? कार्यक्रमों में आता जाता रहता है, लेकिन कोई अपराध हो कर रहा है तो अपराधी को संरक्षण थोड़ी है। सर, इसमें कार्यक्रमों में हजारों लोग आते हैं। सर, एक प्रवेश था, उसके बाद जो वीडियो बना रहा था, उसकी कोई जानकारी, कोई पुष्टि हो पाई? नहीं, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी। कब का वीडियो, कोई जानकारी? ये भी जानकारी। तो एक शर्मसार करने वाली तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, दोनों ने ही इस घटना को शर्मसार कर देने वाला बताया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपी पर कार्यवाही करने की बात कही है।